the Jammu and Kashmir police arrested a man who posed as a top official from the Prime Minister's office and held meetings with the officials of the Union Territory. Now, the con man was identified as Kiranbhai Patel from Gujarat. And at this point of time, Vijay Kumar, ADGP Jammu and Kashmir, has reacted over the lapse. He has said that action will be initiated against all those persons who will be found involved in the crime. Well, he further said that this was not an intelligence lapse, but was due to a field-based officer's mistake who will not be spared. देखिए प्रॉपर एफआईआर लगा जब श्रीनगर पुलिस को 2 तारीख को पता चला तुरंत होटल में रेड मारा गया सीनियर आईपीएस ऑफिसर के नेतृत्व में और उसको पकड़ा गया रंगे हाथ उसके बाद फेक विजिटिंग कार्ड था और उसी दिन केस रजिस्टर किया गया अरेस्ट किया गया 14 दिन पुलिस की रिमांड में रहा रिग्रेस्ट इंट्रोगेशन हुआ तफ्तीश हुआ है अभी जुडिशल रिमांड में जेल में बंद है पूरा और उसमें हम लोग पूरा तफ्तीश प्रोफेशनली कर रहे हैं और उसमें गुजरात पुलिस का भी हेल्प ले रहे हैं उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा सर एमएचओ की तरफ से जो है पुलिस डिपार्टमेंट को खास तौर पर आदेश दिए गए हैं कि ऐसे भी वर्बल जो है इंफॉर्मेशन पे किसी को भी जो है सिक्योरिटी ना दी जाए ये एसओपी पहले से है इंस्ट्रक्शन तो बार बार आती रहती लेकिन पुलिस को किसी भी वर्बल डायरेक्शन पर सिक्योरिटी नहीं प्रमोट करना चाहिए हम लोग नहीं करते हैं जो चुप भी है उसको हम लोग देख रहे हैं उसको और जो ऑफिसर इसमें मुलविस होगा जो उसको डायरेक्शन दिया हो गया उसमें सुरक्षा कहा जा सकता है देखिए इंटेलिजेंस फेल्यूर हम नहीं कर सकते क्योंकि ये जो फील्ड ऑफिसर के लेवल पर ये लापरवाही हुई है और इसमें कार्रवाई होगी